नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों देखिए, शायद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और हस्त नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें, शुक्ल नाम का शुभ योग रात्रि के 8:42 रहेगा, उसके उपरांत इस दिन ब्रह्म नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर के 1:56 से लेकर शाम के 3:28 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। दोस्तों प्यार कोई चीज नहीं जिसे मेहनत से हासिल किया जाए, प्यार कोई मुकद्दर नहीं जिसे तकदीर पर छोड़ा जाए। प्यार एक यकीन है, भरोसा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं कि किसी से भी किया जाए। नफरतों को जलाओ तो मोहब्बत की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जले हैं खाक ही हुए हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिसे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से भी ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धेनी राशिफल। दोस्तों आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेंगी जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होंगे। दोस्तों इसलिए उन पर तुरंत आपको अमल करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों घर पर सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मिलाप घर के वातावरण को भी यश में खुशनुमा बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों यश में भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, परंतु दोस्तों अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से समस्या का निवारण भी जल्दी ही हो जाएगा। दोस्तों संतान की संगति पर जरूर नजर रखें, समय रहते कठोर निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है। इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको दूरदृष्टि से सोच कर योजना और निर्णय बनाने होंगे। दोस्तों खास करके जब बातें पेशे संबंधित हो तो यश में आप सतर्क रहें। दोस्तों यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस विषय में आपको योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों शादी संबंधी बातों में केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा मिले सुझाव को ही ध्यान में रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन संबंधी योजनाएं बनाई थी दोस्तों यश में उन पर अमल करने का उचित समय होगा। दोस्तों यश में आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। दोस्तों घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी निकट संबंधी के साथ जो है आपका छोटा सा बात को लेकर समस्या खड़ा हो सकता है, परंतु दोस्तों जरा सी समझदारी और सूझबूझ जल्दी ही आपकी गलतफहमियों को यश में दूर कर देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, परिवार के लोग और मित्रों की वजह से आपके आसपास का वातावरण खुशी भरा रहेगा। दोस्तों यश में भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान की बातों का जो है अधिक से अधिक आनंद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों किसी धार्मिक आयोजन में आपकी व्यवस्था रहेगी। दोस्तों आपका सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण समाज में भी आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। दोस्तों कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ पैसा मिलने से आपकी जो आर्थिक तंगी है यह उनसे दूर होंगी।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों परंतु यश में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, इनसे आप समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों घर की देखरेख तथा विलसिता संबंधी चीजों पर खर्च होने से बजट भी गड़बड़ा सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपने उपलब्धियां उम्मीदें संबंधी जो नए सपने सजाए थे वे दोस्तों काफी हद तक पूरे होने वाले हैं, इसलिए पूरे जोश और मेहनत के साथ अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहें। दोस्तों स्वयं को साबित करने के लिए स्थितियां बेहतरीन समय का निर्माण कर रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कोई अप्रिय समाचार भी आपको मिल सकता है जिनकी वजह से मन में कुछ उदासीपन रहेगा। वाहन खराब होने की जो है वजह से आपको काफ़ी खर्चा भी करना पड़ सकता है। अगर घर या फिर किसी नवीन वस्तु या फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो स्थिति है आपके लिए यश में स्थगित रखें, इन्हें ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे यात्रा से संबंधित योजनाओं में बदलाव आ सकता है जिनकी वजह से कुछ कामों में देरी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों काम जरूर होंगे। बच्चों से संबंधित आपकी चिंता इसमें बढ़ेगी और दोस्तों खासकर उनके स्वास्थ्य के प्रति आपका अधिक ध्यान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में आप सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र में संबंधित जो भी व्यक्ति है वांछित सफलता प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च अधिकारी से वाद विवाद अथवा झगड़ा भी हो सकता है जिनकी वजह से आपकी नौकरी में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में धैर्य और संयम बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जिससे होंगे आपके व्यवसाय के लिए जिससे होंगे दोस्तों आप कार्य क्षेत्र में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कामकाज का बोझ अधिक रहेगा परंतु आपकी कार्य क्षमता व फिर कुशलता द्वारा समस्या का समाधान मिलने में भी आप यश में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं भी जल्दी ही क्रियान्वित होंगी। दोस्तों पार्टनर संबंधी के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें, अभी दोस्तों उनमें नए कार्य की शुरुआत ना करें, ये आपके व्यवसाय के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण में बहुत अधिक खर्चा भी सामने आएगा, परंतु दोस्तों आय के मार्ग भी यश में प्रास्त रहेंगे, इसलिए दोस्तों आर्थिक संबंधी दिक्कत नहीं आएंगी। युवा वर्ग की यश में जो है पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु दोस्तों आपका उनकी देखभाल करना तथा पारिवारिक कार्यों में सहयोग करना आपसे संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर बेहतर सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों यश में पारिवारिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपके कार्य में जीवन साथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा तथा आपके संबंधों में भी नजदीकी आएंगी बने रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा लापरवाही की वजह से पेट खराब रह सकता है। दोस्तों यश में स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच आप अवश्य कराएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में चिंता और तनाव की वजह से सिर दर्द भी रह सकता है, कुछ समय जो है मेडिटेशन व योगा में व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।